चलिए क्वेश्चन लिखिए, हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन लिखिए, अब देखिए कॉम्प्लिकेशन का लेवल थोड़ा सा बढ़ेगा, ठीक है ना। मैंने इसीलिए मेथड समझाने के लिए मेथड के साथ ही दो क्वेश्चन करा दिए थे। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस का मतलब है इससे रिलेटेड जनरल क्वेश्चन जैसे एग्जाम में आ सकते हैं या एक्सरसाइज में मिलेंगे आपको या एग्जाम्पल्स में मिलेंगे, उसके लिए हम एक दो तीन क्वेश्चन सॉल्व करवाए दे रहे हैं। तो आप उससे सीख जाइए कॉम्प्लिकेशन का लेवल क्या हो सकता है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में अभी तो नहीं है, क्यों, क्योंकि वन प्लस वाई एक्स है और वाई डी वाई है ना, डी एक्स भी है, इधर ये एक्स भी है वाई भी है, तो हम थोड़ा सा अलग अलग करना चाहें तो कर सकते हैं। देखिए कैसे हो जाएगा अलग, वन प्लस वाई और वाई और डी वाई ये सब इधर रखो, डी एक्स और एक्स उधर भेजना स्टार्ट करो। अच्छा वन माइनस वाई ये भी है, इसको भी ले आओ यहीं पे, तो इज इक्वल टू हो जाएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये रहा आपका, और डी एक्स मल्टीप्लाई में गया और एक्स जो है वो डिवाइड में गया। अब देखिए डी वाई के साथ सारा वाई है और डी एक्स के साथ सारा एक्स है, यानी कि हमने जो है वो देखिए सब लोग ये वेरिएबल सेपरेबल कर दिए, वेरिएबल सेपरेट कर दिए हमने, इतना ये पोर्शन आपको क्लियर है। थोड़ा सा और इसको सही करके लिख लीजिए, वन माइनस वन अपॉन एक्स माइनस एक्स डी एक्स, और यहाँ पर देखिए आप ऊपर वाई स्क्वायर है और नीचे वाई है, यानी कि पावर ऊपर ज़्यादा है तो डिवाइड करना पड़ेगा, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, वन प्लस नहीं वाई प्लस वाई स्क्वायर, वाई प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई वन माइनस वाई डी वाई। इसको थोड़ा सा वाई स्क्वायर प्लस वाई करके लिख देते हैं, हायर टर्म पहले, इसमें क्या करते हैं वाई माइनस वन कर देते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं। ध्यान से देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, वन अपॉन एक्स माइनस एक्स डी एक्स, ऐसा इसलिए किया कि ताकि डिवाइड करने में सही रहे मुझे, और हायर टर्म पहले आ जाए ताकि डिवाइड करना अच्छे तरह से हो पाए। यहाँ तक पहुँचने के बाद लिखिए इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, वेरिएबल सेपरेट हो गए हैं और इंटीग्रेशन का भी हमने थोड़ा थोड़ा इंतजाम कर लिया है, तो अब हम करने जा रहे हैं इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड है, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करेंगे तो मैं क्या करता हूँ, इसी लाइन में लगा दे रहा हूँ इंटीग्रल, ये लगा इंटीग्रल, ये लगा इंटीग्रल प्लस सी। अब आप देखिए यहाँ ये लॉग एक्स हो जाएगा, इसका एक्स स्क्वायर बाई टू हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर पावर ज़्यादा है वेरिएबल के नीचे कम है, ये तरीका शायद आपने ट्वेल्थ क्लास में देखा हो। तो ये हो जाएगा वाई माइनस वन से आप डिवाइड करोगे वाई स्क्वायर प्लस वाई में, वाई टाइम्स जाएगा तो वाई स्क्वायर माइनस वाई हुआ, यहाँ से माइनस प्लस किया सबट्रैक्ट किया तो ये कट गया, ये आपका आ गया टू वाई। अब वाई से वाई टू, यानी कि प्लस का टू और मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका टू वाई माइनस टू, माइनस कर दीजिए तो ये कट जाएगा, यहाँ नीचे बचा टू। इसका मतलब ये है, आप ध्यान से समझिए मैं क्या लिख रहा हूँ, अभी इसी की बात कर रहा हूँ डिवाइड की, मैंने जब वाई स्क्वायर प्लस वाई में वाई माइनस वन से डिवाइड किया तो वाई प्लस टू तो मुझे मिला, दिख रहा है ये बोर्ड में, हाँ वाई प्लस टू तो मिला, लेकिन साथ में रिमाइंडर ये टू प्लस टू बाई वाई माइनस वन, ये चीज़ लिखी जाएगी, ठीक है ना। इतना तो ये डिवाइड करके वाई प्लस टू तो पूरा पूरा मिल गया, प्लस ये फ्रैक्शन टू बाई वाई माइनस वन ये बचेगा साथ में, तो ये सारी चीज़ मैं यहाँ पे ला के रख देता हूँ। डिवाइड करे हुए काफ़ी दिन हो गए होंगे आपको, इसलिए जो है वो अगर छोटी क्लास में पढ़ा होगा तो शायद तरीका थोड़ा सा मिस हो रहा हो दिमाग से, तो इसलिए मैंने डिवाइड डिटेल में करके बता दिया है। अब देखिए नेक्स्ट लाइन में हम क्या करेंगे, इसमें सीधे वही रखेंगे इंटीग्रल वाई प्लस टू प्लस टू बाई वाई माइनस वन, ये इतना डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रल वन अपॉन एक्स माइनस एक्स डी एक्स प्लस सी। अब देखिए आराम से इंटीग्रेशन हो सकता है, बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, फ्रेम है, हाँ फ्रेम में है, ठीक है, तो आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, तो माइनस ब्रैकेट में वाई का वाई स्क्वायर बाई टू प्लस टू का टू वाई प्लस टू और वन अपॉन वाई का वाई माइनस वन का लॉग वाई, लॉग वाई माइनस वन। देखिए कोफिशेंट से डिवाइड करेंगे, वाई का कोफिशेंट वन ही है इसलिए, तो ये इतना ये इधर हो गया, करली ब्रैकेट लगा दिए मैंने, इज इक्वल टू लॉग एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी। अब देखिए ये आपका जो एक्स स्क्वायर बाई माइनस का ये प्लस में ले आई इधर, तो एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस लॉग एक्स ये भी ले आई इधर, माइनस का वाई स्क्वायर बाई टू माइनस का टू वाई माइनस का टू लॉग वाई माइनस वन इज इक्वल टू सी, ये आपका आंसर हो जाएगा। उतना भी छोड़ देते वो भी रहता, लेकिन थोड़ा रीअरेंज्ड फॉर्म में हमने थोड़ा सा उसको सही करके लिख लिया।
अब अगला क्वेश्चन देखिए जरा। अच्छा अगला क्वेश्चन देखिए, समीकरण वन प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई, वन प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू, नहीं माइनस माइनस एक्स वाई डी एक्स इक्वल टू ज़ीरो, इक्वल टू ज़ीरो को हल करो। देखिए एक्स के साथ वाई है, वाई के साथ एक्स है, और दुनिया भर का यानी कि मिला के दे रखा है उन्होंने, तो हम इसे यही करेंगे, पहले वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले इधर उधर कर लीजिए, इधर उधर करने से ना सब दिख जाता है। कुछ लोग सोचते हैं कि डिवाइड कर देंगे हम उस चीज़ से, बजाय डिवाइड करने के, आप डिवाइड करके भी हो सकता है, लेकिन डिवाइड करने के बजाय आप इधर उधर कर लीजिए इज इक्वल टू में, और फिर अपना जो जिधर है उधर नीचे पहुंचा दीजिए, इज इक्वल टू एक्स वाई डी एक्स। अब जैसे वाई है तो वाई के साथ ये नहीं चाहिए मुझे, ये चाहिए, तो डी वाई बाई वाई कर लीजिए, उधर डी एक्स अपॉन एक्स, डी एक्स के साथ एक्स तो रहेगा ही, और ये चीज़ नीचे वन प्लस एक्स स्क्वायर और पहुँच जाएगी। अब ये देखिए सेपरेट हो गए हैं, कायदे में लिखा जाना चाहिए था विच इज़ ऑफ द फॉर्म वेरिएबल सेपरेबल, लेकिन नहीं लिखता कोई। आप सीधे आप समझ जाइए वेरिएबल सेपरेबल है, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो इंटीग्रल डी वाई बाई वाई इज इक्वल टू इंटीग्रल एक्स डी एक्स बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। इसका तो लॉग हो जाएगा, लेकिन इसमें देखिए वन प्लस एक्स स्क्वायर और एक्स ऊपर दिया हुआ है, तो आप एक्स स्क्वायर को कुछ, वन प्लस एक्स स्क्वायर पूरे को ही कुछ मान लीजिए, तो ये एक्स डी एक्स उसमें एडजस्ट हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा पुट वन प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, तो ये हो जाएगा ज़ीरो प्लस टू एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, इससे सब्सिट्यूशन से सॉल्व होगा। तो यानी कि ये हो जाएगा आपका इंटीग्रल डी वाई बाई वाई इज इक्वल टू इंटीग्रल वन प्लस एक्स स्क्वायर को आपने टी पुट किया, तो एक्स डी एक्स का क्या हो गया डी टी हो गया प्लस सी, यानी कि आपका ये हो गया लॉग वाई इक्वल टू लॉग टी प्लस सी। अब देखिए लॉग लॉग दो आ गए, तो आप सी को भी लॉग में ही ले लो, पीछे जाके इसको भी लॉग में ही ले लो, ठीक है। अब क्या हो जाएगा लॉग वाई इज इक्वल टू टी इंटू सी, लॉग ऑफ टी इंटू सी, लॉग लॉग हट गए, वाई इज इक्वल टू टी इंटू सी। टी क्या है वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो रख दीजिए वाई इज इक्वल टू वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू सी, ये आपका आंसर हो गया। करिए कैलकुलेशन, मुझे बताइए समझ आ रहा है कि नहीं। देखिए यहाँ से इस इतना तक आपका ये थर्ड सेमेस्टर का पार्ट है, और इसके आगे अब ये फर्स्ट सेमेस्टर या फिर ट्वेल्थ का जो इंटीग्रेशन है उसका जिम्मा हो जाता है। तो आपके दो क्लासेस के कंसेप्ट्स जो हैं वो एक साथ लगे हुए हैं यहाँ पे। क्या है दो कहाँ गया, टू गायब हो गया, टू टू कहाँ था, सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो, टू कहाँ गया, यहाँ पे टू एक्स डी एक्स था ना हमने एक्स डी एक्स, तो ये हाफ आ जाएगा यहाँ पे, एक्स डी एक्स की जगह डी टी डी टी बाई टू पुट करेंगे, यहाँ से एक्स डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा डी टी बाई टू, तो डी टी बाई टू वन अपॉन टू ये बाहर आ जाएगा, ये हाफ हो गया लॉग टी, ये आपका एक लाइन और बढ़ जाएगी लॉग टी टू द पावर हाफ, ये पावर ऊपर चली जाएगी प्लस लॉग ऑफ सी, तो टी टू द पावर हाफ इंटू सी, टी टू द पावर हाफ यानी कि ये टू द पावर हाफ, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो y इज इक्वल टू अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर और c बाहर y इज इक्वल टू, ये आपका आंसर आएगा। बहुत अच्छी बात याद दिलाई, इसका मतलब आप केवल कॉपी नहीं कर रहे थे समझ के भी कर रहे थे। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, लिखिए जरा क्वेश्चन, निम्न समीकरण को हल करो, वन माइनस ई टू द पावर एक्स, वन प्लस टेन स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस थ्री टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाई कॉट वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। इन क्वेश्चंस में क्या है, आपको पहले वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में लाना पड़ता है, एक्स के साथ डी एक्स के साथ एक्स वाले टर्म, डी वाई के साथ वाई वाले टर्म, और उसके बाद इंटीग्रेट कर देना होता है, ये मेथड है। अब देखिए आप मिक्सचर कुछ ये दिया हुआ है इस तरह से, आप देखो डी वाई के साथ, डी वाई के साथ एक्स भी है, यहाँ भी एक्स है, वाई भी है, सब मिले जुले हैं, तो सबसे पहला तरीका क्या है, आप ये इसको राइट में भेज दो, और साथ ही साथ वन प्लस टेन स्क्वायर वाई, ये ज़बरदस्ती का दे रखा है, ये सेक स्क्वायर वाई हो जाएगा,
तो इसमें क्या करिए आप, 1 माइनस ई टू द पावर एक्स और ये sec स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये माइनस में चला गया तो 3 टू द पावर एक्स अपॉन cot ऑफ वाई। इसमें क्या करना होता है, dy के साथ y वाले टर्म रखने होते हैं और dx के साथ x वाले टर्म रखने होते हैं, अलग अलग करना पड़ता है, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है ये, वेरिएबल्स को सेपरेट करना। तो देखिए dy के साथ ये तो सही है लेकिन ये नहीं चाहिए मुझे, तो आप sec स्क्वायर y dy और देखिए y का इधर तो नहीं है, ये भी है y का, तो ये cot y ले आइए, cot y मल्टीप्लाई में आ गया और इज इक्वल टू माइनस 3 e टू द पावर x डी एक्स मल्टीप्लाई में आ गया और ये डिवाइड में आ जाएगा अपॉन 1 माइनस ई टू द पावर एक्स। इसको थोड़ा सा टेन वाई कर दीजिए, sec स्क्वायर वाई अपॉन टेन वाई, ठीक है, टेन का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर होता है, हम इसी का यूज़ करेंगे, 3 टू द पावर एक्स अपॉन 1 माइनस ई टू द पावर एक्स डी एक्स। चीज़ तुम देखो जिसको नहीं समझ में आ रहा वो ये देखे कि डी वाई के साथ वाई करा है और डी एक्स के साथ एक्स करा है हमने, बस इतना किया है। अब वो करने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है तो वो अलग बात है, आपको इतना मेच्योर होना पड़ेगा। मैंने इसीलिए कल एग्जांपल दिया था कि पूरे कमरे में पानी भरा है और आपको पैर जमा जमा के चलना है इधर उधर, तो जब तक आप इन एक्सरसाइजेस पे अपने आप टाइम नहीं देंगे, अपने आप खाली समय में कूल माइंड से होकर के नहीं सोचेंगे, तब तक ये क्वेश्चंस कर पाना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। सारे नियम कानून पता होने पर भी और एक घबराहट सी होगी अगर आप इस पर टाइम नहीं देंगे, इसीलिए मैं इन एक्सरसाइजेस में एक एक दिन का गैप दे रहा हूँ ताकि आप लोग उसके ऊपर श्योर हो लो, टाइम मिल जाए आपको, भाई मेरा क्या है, मैं जल्दी जल्दी मेथड बताता चला जाऊँ, एक एक क्वेश्चन बताता चला जाऊँ, आप तब भी आपको करना पड़ेगा, लेकिन मैं उतना टाइम इसलिए दे रहा हूँ आपको एक एक दिन का कि ताकि आप इसमें श्योर हो लें। इस चैप्टर को आराम से ही किया जाता है, अदरवाइज सारे पॉइंट्स जो हैं वो दिमाग में आपस में हो जाएंगे। अब अगर आप वीडियो केवल देख रहे हो और उसके बाद कुछ नहीं कर रहे हो तो भी वही बात है, अगर e की पावर y होता तो किसके साथ, तो y के साथ रहता, e टू द पावर y तो यहीं रहता, dy के साथ y वाले और dx के साथ x वाले। अब लिखिए इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो दोनों तरफ जब आप इंटीग्रेट करोगे तो मैं इसी में इंटीग्रल का साइन लगा दे रहा हूँ, एंड प्लस c, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब इसमें क्या करेंगे, पुट tan y इज इक्वल टू t, तो tan y को t ले लो तो tan का हो जाएगा sec स्क्वायर y dy इज इक्वल टू dt, ये पूरा का पूरा देखिए dt बन जाएगा। इसमें क्या करिए, पुट 1 माइनस ई टू द पावर x इज इक्वल टू z, तो 0 माइनस ई टू द पावर x डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ मैं, dx इज इक्वल टू dz, यानी कि माइनस ई टू द पावर x dx, ये dz बनेगा आपका। अब इंटीग्रेशन करा जा सकता है, ये कितना हो जाएगा, इंटीग्रल sec स्क्वायर वाई डी वाई की जगह डी टी, टेन वाई को t मान लिया था, इज इक्वल टू माइनस ई टू द पावर एक्स डी एक्स का डी जेड हो जाएगा, 3 बचेगा और इंटीग्रल नीचे कितना है, 1 माइनस ये जेड मान लिया था बस, और प्लस c, तो प्लस c आ गया, इसका हो जाएगा log ऑफ t इज इक्वल टू 3 log ऑफ z प्लस, अच्छा इसको भी log मान लो फिर, सब log में आ रहा है तो इसको भी आप log c मान लें, ये हो जाएगा log ऑफ t इज इक्वल टू log z टू द पावर 3, ये 3 को ऊपर भेजो तभी log अकेला बचेगा, प्लस log c, ये हो जाएगा log प्लस log, तो log मल्टीप्लाई में z क्यूब इंटू c इज इक्वल टू log t, यहाँ से मैं रास्ता यहाँ ले जा रहा हूँ, log log हट जाएगा, t इज इक्वल टू z क्यूब प्लस c, z क्यूब इंटू c, तो t का मतलब कितना है, tan y इज इक्वल टू z क्यूब का मतलब कितना है, 1 माइनस ई टू द पावर x का होल क्यूब इंटू c, ये आपका आंसर होगा। कंप्लीट करिए, मुझे बताइए कोई दिक्कत तो नहीं है। देखिए इंटीग्रेशन पार्ट को आप अलग साइड में रख दो, वो वेरिएबल सेपरेशन करना वो एक अलग चीज़ है, और फिर आप क्वेश्चन को नज़र मारो तो आपको छोटा सा क्वेश्चन नज़र आएगा, मतलब पहले मैंने वेरिएबल सेपरेट किया फिर मैंने इंटीग्रेट कर दिया, अब इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम हो रही है वो अलग बात है। अगला क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखिए e टू द पावर y प्लस 1, निम्न समीकरण को सॉल्व करिए, e टू द पावर y प्लस 1 cos x dx इज प्लस e टू द पावर y sin y dy इज इक्वल टू 0। अब देखिए आप, अब ये क्वेश्चन में आप आते आते जो है अगर आप ढंग से समझ रहे हो शुरू से तो आपको तरीका पता लग रहा होगा कि क्या करेंगे हम।
पहला तरीका है इसको हम उधर भेज देंगे, ठीक है ना, राइट साइड में। तो साथ ही साथ करते रहिए, e टू द पावर वाई प्लस वन कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस e टू द पावर वाई साइन वाई डी वाई। अलग अलग करने के लिए ध्यान से, मतलब कोई दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना पड़ता, फिर सब अपना अलग अलग हो जाते हैं। इधर डी एक्स है, डी एक्स रखिए, कॉस एक्स चाहिए मुझे, एक्स में है तो यहीं रखो, ये नहीं है इसको भेज देंगे हम उधर। उधर से एक्स में कोई है? कोई भी नहीं है। अच्छा, कुछ गड़बड़ तो नहीं लिख दिया मैंने? e टू द पावर वाई साइन एक्स है, ये गड़बड़ लिख गया भाई। मैं कहूँ कि ये साइन एक्स है ना, तो ये साइन एक्स नीचे आ जाएगा अपॉन में, आपका डी एक्स सेपरेट हो गया, एक्स वाले सेपरेट हो गए। इधर आइए, माइनस का e टू द पावर वाई डी वाई तो रहेगा रहेगा, और ये अपॉन में पहुँच जाएगा e टू द पावर वाई प्लस वन। बस ये हमारा सेपरेट करके आ गया, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आपको दिख गया ये। जब ये सेपरेट हो गया तो अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो ये लाइन मैं यहाँ की बजाय यहीं लिख रहा हूँ ताकि एक लाइन बच जाए मेरी, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो ये इंटीग्रल, इंटीग्रल प्लस सी, अगर लॉग होगा बाद में तो लॉग कर लेंगे उसे, वैसे लॉग होगा नहीं। पुट साइन एक्स इक्वल टू टी, तो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ये पूरा ऊपर मिल गया, इसमें देखिए ई टू द पावर नीचे भी ऊपर भी है, तो इसने पूरा ये इतना मान लीजिए। पुट ई टू द पावर वाई प्लस वन इज इक्वल टू जेड, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ई टू द पावर वाई डी वाई इज इक्वल टू डी जेड, ये पूरा इतनी वैल्यू मिल गई आपको। तो ये हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा, इंटीग्रल कॉस एक्स डी एक्स की जगह डी टी बाई टी। अच्छा, मुझे लग रहा है कि लॉग में ही लेना पड़ेगा, है ना, इज इक्वल टू माइनस ई टू द पावर डी वाई का डी जेड अपॉन जेड प्लस सी, तो इसको भी लॉग ही कर लीजिए आप, लॉग सी। अब देखिए डी बाई डी टी बाई टी, यानी कि इसका क्या हो जाएगा, लॉग टी इज इक्वल टू माइनस, अच्छा इंटीग्रल का साइन मैंने कैसे हटा दिया, माइनस लॉग जेड प्लस लॉग सी, ये हो जाएगा लॉग सी बाई जेड, प्लस माइनस है ना तो अपॉन में, इज इक्वल टू लॉग टी, यानी कि यहाँ से टी इज इक्वल टू सी बाई जेड, या फिर ये हो जाएगा टी जेड इज इक्वल टू सी। टी की वैल्यू डाल दीजिए साइन एक्स, जेड की वैल्यू डाल दीजिए ई टू द पावर वाई प्लस वन इज इक्वल टू सी, ये आपका जो है वो आंसर हो जाएगा। कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्यों ऐड किया जाता है, जैसे एक्स स्क्वायर है, आपने इसे डिफ्रेंशिएट किया तो डिफरेंशिएट करके आपको 2x मिला। अब इंटीग्रेशन जो है वो रिवर्स, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस होता है, आप इसे इंटीग्रेट कर दो, तो जब आप इसे इंटीग्रेट करोगे 2x स्क्वायर बाई 2 तो फिर से एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। तो कहने का मतलब है मुझे जो चीज़ थी वो वापस से मिल गई, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपके पास यहाँ पर कॉन्स्टेंट रहता है एक्स स्क्वायर प्लस 2, फिर आप इसे डिफरेंशिएट करते तो वो फिर आता 2x, और फिर उसे आप इंटीग्रेट करते तो आधा एक्स स्क्वायर। अब देखिए वो नहीं मिला, तो कहने का मतलब ये है कि जिस क्वांटिटी को आप इंटीग्रेट करके फंक्शन लाना चाह रहे हो, अगर उस फंक्शन में कोई कांस्टेंट जुड़ा हुआ हुआ तो वो आपस आपको वापसी में नहीं मिलेगा। तो इस उम्मीद में कि कहीं कोई कांस्टेंट न रहा हो, हम क्या करते हैं कि इंटीग्रेशन करने के बाद एक कांस्टेंट अपने आप जोड़ देते हैं। अगर था वो कांस्टेंट तो सी की वैल्यू 2 हो जाएगी, और अगर नहीं था वो कांस्टेंट तो सी की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये चीज़ आपको 12th में बताई गई होगी कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्यों ऐड करते हैं। जब डेफिनेट इंटीग्रल होता है, यानी कि लिमिट्स दी होती हैं, तो फिर इसको नहीं ऐड करते, क्योंकि तब हमें बता रहता है कि यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट करना है। मुझे बताइए, अब मुझे लगता है कि आप लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे, बुक में देखिएगा आप एक्सरसाइज जो पहली एक्सरसाइज, तो खैर उसकी थी एक्सरसाइज नंबर 2 जो है, उसके दो हिस्से होंगे, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए जो है वेरिएबल सेपरेबल का है, पार्ट बी जो है आपका रिड्यूसेबल टू वेरिएबल सेपरेबल का है। तो वो रिड्यूसेबल टू वेरिएबल सेपरेबल हमने नहीं पढ़ाया अभी, हमने टाइप फर्स्ट पढ़ा है। तो आप एक्सरसाइज में देखिए दो हिस्से होंगे, पहले हिस्से के कुछ सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं आप, ठीक है ना। तो अब आप लोग के पास ये काम है कि आप ये पहले हिस्से के सारे क्वेश्चन सॉल्व करिए, और जो प्रॉब्लम हो उनको ग्रुप पे डालिए। मैं क्या काम करूंगा, जो जिसने जो प्रॉब्लम डाली वो सारे ग्रुप में सर्कुलेट कर देता हूं, और फिर क्वेश्चन आंसर कहीं से भी आए मैं वो आंसर सर्कुलेट कर देता हूं। अब आप लोगों का काम है कि उस आंसर को देखें, और अगर वो गलत है तो उसके बारे में फिर और कमेंट करें, ठीक है ना। तो ये वीडियो फिर मैं यहीं ख़त्म करता हूँ, और आप लोग जो हैं वो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए।